सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सेम सेक्स मैरिज के ऊपर अपना जजमेंट दे दिया है। मैं इस जजमेंट का स्वागत करता हूं। 5 जजों ने एक मत से कहा है कि वो सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन नहीं दे सकते। 5 जजों ने एक मत से कहा है। दूसरा, 5 जजों ने एक मत से यह भी कहा है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सरकार को उन्होंने कहा है 5 जजों ने कि वो एक कमेटी बना ले और कमेटी ये देख ले कि जो इस तरीके के लोग हैं जो सेम सेक्स मैरिज में रहना चाहते हैं या जो होमोसेक्सुअल है उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनको बैंक अकाउंट खोलने में कोई दिक्कत आ रही है या उनको लोन लेने में कोई दिक्कत आ रही है या और भी जो उनकी समस्याएं हैं जो सिविल राइट का इश्यू, उसको देख लें। लेकिन शादी विवाह का उन्होंने अधिकार नहीं दिया है, लीगल राइट नहीं दिया है, लीगल सैंक्टिटी नहीं दिया है और ना तो स्पेशल मैरिज एक्ट को उन्होंने कोई बदलाव करने के लिए कहा। बच्चा गोद लेने का अधिकार के मामले में 5 जजों की बेंच में दो फाड़ हो गया। 3 जजों की बेंच ने कहा कि बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं मिलेगा। 2 जज ने कहा कि बच्चा गोद लेने का अधिकार मिलेगा। जस्टिस कॉल और जस्टिस चंचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ने कहा कि नहीं, इनको बच्चा गोद लेने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन 3 जजेस, जस्टिस भट्ट, जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली, ने कहा है कि नहीं, इनको गोद लेने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से मेजॉरिटी ओपिनियन यह है कि गोद लेने का अधिकार भी नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली इस जजमेंट ने, जो देश में इतने दिन से एक फॉरेन मीडिया एक तरीके से प्रमोट कर रही थी या जो विदेशी ताकतें हैं जो कोशिश कर रही थी कि भारत की संस्कृति खत्म हो जाए, भारत की सभ्यता खत्म हो जाए और यहाँ पे भी विदेशियों की तरीके यहाँ पे भी सेम सेक्स मैरिज को एक लीगल सैंक्टिटी मिल जाए, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के फैसले से, 3 जज ने बोला है कि नहीं, 2 जज ने बोला कि नहीं, 2 जज ने हाँ किया है, 3 जज ने इसको नकार दिया है। तो अल्टीमेटली जो हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी जो भारतीय कल्चर है, जो कहता है विवाह एक पवित्र बंधन है, इसको उन्होंने बरकरार रखा है। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ।